दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने की कोशिश की कि ये मंदिर पिलर पे कैसे टिका हुआ है और इसको हिला दिया, तब से ये खंभा हवा में झूल रहा है। इस मंदिर के इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मा सेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए के आकार का बना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वीरुपन्ना और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में करवाया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में मिलता है और ये वही जगह है। यहाँ जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिरे थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर के निशान तो कोई माता सीता के पैर के निशान मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।